अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम वालदीन, आपको मुतल्ला किया जाता है कि स्कूल में नई क्लासेस की एकेडमी का आगाज इंशाल्लाह 8 मई से होगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आज से 6 मई तक 8:30 से 1 बजे के दरमियान लाजमी स्कूल से कोर्स खरीद लें। नोट, भाई से कोर्स खरीदने की सूरत में कॉपियां लाजमी स्कूल से ही लें। भाई की कॉपियां किसी सूरत इदारा कबूल नहीं करेगा। बहुकुम इंतजामिया टोंट 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 टोंट। पता नहीं कितने दरख्तों का कत्ल करके एक एक पेज को बनाया गया होगा और फिर उस पे छापा गया होगा। कत्ल बुक नहीं समझ में आया, सिर्फ 90 सेकंड दे दे मुझे, मैं आपको समझाता हूँ इन बुक्स का कितना कमाल है हमारी जिंदगी में और ये कैसे बनते हैं इसका पेपर, एक एक पेपर। हर पेरेंट्स परेशान है कि नए कोर्स लेने हैं, महंगाई का अलग जोर है। आज मैं आपको समझाता हूँ अगर हम लोग इसको एहतियात से यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग कितना कुछ बचा सकते हैं। आज की वीडियो मुख्तलिफ है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद सूद होगी, क्योंकि कई लोगों का कहना था मुझे कि इस टाइप की वीडियो बनाएं जिसमें जो स्कूल माफिया सुकॉल्ड हर बंदा परेशान है स्कूल माफिया के कोर्स की वजह से कि ये कोर्स जो है जायद हमसे लेते हैं, पैसे लेते हैं, फ़लाँ लेते हैं, ऐसा लेते हैं, वैसा लेते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा रिसर्च करके थोड़ा सा इनको बताऊं ताकि इनको भी शायद थोड़ी सी आ जाए गैरत कि हम लोग इनडायरेक्टली कितनों का कत्ल कर रहे हैं। कितनों का मतलब, हम बचपन से सुनते आए हैं कि दरख्तों में भी जान होती है, दरख्त भी जानदार होते हैं। लेकिन आपको पता है क्या, अभी तक पता था कि एक पेज बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए दरख्त का इस्तेमाल होता है। दरख्त को काटा जाता है, फिर फैक्ट्री में मशीनरी के थ्रू छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, फिर उसको एक प्रोसेस है उसमें दोहराया जाता है, उसके पल्प होते हैं, उसको फिर केमिकल और कुछ चीज़ें डालकर पानी, उसको फिर एक पेपर की शक्ल दी जाती है। तो मेरी गुजारिश है स्कूल वालों से कि प्लीज़ आप कोर्स दिलवाएं, लेकिन कोशिश ये करें कि न्यू क्लास में कोई गया तो पुराना वाला न्यू क्लास वाला पुराने वाले को अपना कोर्स दे दे और इसी तरह एक चेन बनती हुई आए तो हम लोग और मैं और आप कितना कत्ल होने से रोक सकते हैं, कितने दरख्तों को बचा सकते हैं। यकीन माने अगर हमने ये नहीं किया, हम सिर्फ अपने मफाद के लिए, और ये एक पूरा माफिया है मफाद के लिए अगर करते रहे तो एक दिन रोबोट्स खड़े हुए होंगे और ज़मीन पूरी बंजर होगी और उस दिन सिर्फ और सिर्फ अफसोस के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है तमाम पेरेंट्स से और ख़ास तौर पे स्कूल वालों से कि ये जो कोर्सेज से रिलेटेड जो एक माफिया चल पड़ा है कि हमारा ही कोर्स लें, पूरा कोर्स लें, क्योंकि कोर्स नहीं बदलते, कोर्स वैसे ही रहते हैं, सिर्फ बदलते हैं तो इंसान। यकीन माने बहुत बुरे हालात हैं, इन हालात में पेरेंट्स कोर्स नहीं ले पा रहे तो आप बहुत कुछ रोक सकते हैं, आप कुछ बहुत कुछ बचा सकते हैं। और अभी ज़रूरत ही इंडिविजुअल की है, मेरी है। हम लोग ये कहते हैं ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, यकीन माने मैं ही कर सकता हूँ। अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो आप भी यही सोचें कि मैं ही कर सकता हूँ और मैं हम फिर सब एक साथ कर सकते हैं और इंशाल्लाह करेंगे, इन माफिया से जान छुड़ाएंगे। तो मेरी तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है कि अपने बच्चों का कोर्स एहतियात से यूज़ करवाएं ताकि आपका बच्चा, आपके बच्चे का कोर्स किसी दूसरे के काम आ सके और इसके अवज़ हम लोग कितने कत्ल रोक सकते हैं, कितने दरख्तों को बचा सकते हैं। वो अलग बात कि हमारी ज़रूरत है लेकिन ज़रूरत में भी उतनी जितनी हमें चाहिए। तो ये गुजारिश है, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह पामान, जो हमें याद रखेगा। अस्सलामु अलैकुम।